देखो साइंस, ठीक है, साइंस मीन्स क्या, ठीक है, जिसमें वस्तुओं के, पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं भाई, साइंस विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में अगर हम बात करें तो विज्ञान की हमारी तीन शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी, जो कि मोस्टली पढ़ाई जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो मोस्टली तुम्हें पढ़ाई जाएंगी मेरे भाई वो कौन कौन सी है, वो होती है एक भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं क्या, फिजिक्स, क्या मेरे भाई, फिजिक्स। दूसरी होती है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान को मेरे भाई क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तीसरी होती है मेरे भाई क्या, जीव विज्ञान, क्या, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को मेरे भाई क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। तीन विज्ञान होती हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। देखो अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, इसकी केमिस्ट्री की मेरे भाई जब हम पढ़ते थे ना तो इसको पता क्या बोलते थे, छेमिस्त्री, बोलता ही नहीं था, लेकिन अब आके समझ में आया कि यार इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि सबसे जो छोटी चीज होती है, सबसे छोटी चीज क्या होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है क्या, परमाणु। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, एटम, एटम, और एटम मीन्स परमाणु। जैसे कि अभी ना मैं कहीं गया था घूमने, तो वहाँ पे मेरे को पता चला, अभी मेरा लास्ट संडे एग्जाम था, तो मेरा संडे को एग्जाम था मेरे भाई किसका, ईपीएफओ का, ईपीएफओ का, ठीक है, ये परिवर्तन अधिकारी का एग्जाम होता है, ठीक है, इसका एग्जाम था। लेकिन मेरे भाई अभी फिर हम कहीं गए तो हमको पता चला कि एक और लड़का गया था, एक उधर से था बराबर में गाँव में, तो वहाँ से मोहन गया था कोई पेपर देने, तो जी उससे पूछा कि यार तू किसका एग्जाम देने गया, तो बोला पता है किसका, बोल रहा बोला जी एटम बम की कंपनी में जो पेपर देने गया था, एटम बम के लिए पेपर देने गया था। तो भाई ऐसा भी होता है, हो सकता है जी वो एटम बम के लिए, एटम मीन्स, एटम मीन्स परमाणु, बम बम भी होता है, ठीक है, हो सकता है जी परमाणु बम बनाने के लिए वो पेपर देने गया हो, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किसी ना किसी का एग्जाम होगा, वो मुंबई गया था पेपर देने के लिए, इतना होता है, ठीक है। एटम होता है परमाणु, और परमाणु वह है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, और परमाणु सबसे सूक्ष्मतम जो कण है वो क्या है, परमाणु, परमाणु, परमाणु मीन्स एटम, सबसे सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, क्या मेरे भाई, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, तत्व। यानी कि हमारे पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में हमारे कुल कितने तत्व हैं पता है आपको मेरे भाई, 118 तत्व, कितने तत्व हैं, 118, ठीक है, जिनमें से मेरे भाई 94 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, और बाकी के जितने भी आपके बचे 18 वो और 6 इधर से बचे, 24 जो एलिमेंट हैं, 24 जो तत्व हैं, वो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए, ठीक है। टोटल कितने तत्व हैं, 118, ठीक है, हम पढ़ते थे तब 112 थे, 12 साल में 6 बढ़ गए 118, ठीक है। 94 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त का मतलब अकेले और संयुक्त का मतलब किसी के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, और बाकी के जो 24 तत्व हैं हमारे ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए,
ठीक है, ये किसी ने नहीं बनाए, ये हमको पृथ्वी में से मिलते हैं। ठीक है, लोहा कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से भाई। सोना कहाँ से मिलता है? क्या वैज्ञानिकों ने बनाया? नहीं मेरे भाई, यहाँ पृथ्वी से मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? चांदी कहाँ से मिलती है? ये सब हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, फिर चीजें बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं वैज्ञानिकों। ठीक है, तो हमारे जितने भी ये तत्व होते हैं, इन सब तत्वों के नाम होते हैं। जैसे हमारा एक तत्व होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? जैसे हाइड्रोजन की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है HYDROGEN, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की जो पहला लेटर है यही इसका सिंबल होता है H। ठीक है, और H जो सिंबल होता है, ऐसे ही मान लीजिए कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होगा वो हमारा क्या होगा? O। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे इन सबके एलिमेंट्स के नाम होते हैं और यही इनके सिंबल होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा सिंगल में डिजिट में होता है यही हमारा क्या कहलाता है? एटम। और एटम से मिलके हमारा क्या बनता है? अणु। और अणु को मेरे भाई हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के मेरे भाई क्या बनाते हैं? अणु। When two or more atoms are joined, then he make molecule। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं मेरे भाई? मॉलिक्यूल। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। देखो जब H के साथ में हम एक और H जोड़ेंगे तब मिलकर के बनेगा बेटा क्या? H2। ठीक है, H के साथ में एक और H जब हम जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा H2। ठीक है, और ये जो H2 बना है ये हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, अब मेरे भाई जब क्या मिलेगा नेक्स्ट, ये क्या होता है? कंपाउंड मींस यौगिक। कंपाउंड मींस यौगिक, ये कब बनता है? अणु और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है मेरे भाई? यौगिक। अणु और परमाणुओं के संयोग से यानी मिलन से, जब किसी का मिलन होता है एक और एक दो जब ही तो बनते हैं मेरे भाई, मिलन बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तो अभी मिलन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब मिलन होगा। ठीक है मेरे भाई, अणु और परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनते हैं, तब मेरे भाई तभी तो यौगिक बनेगा, है ना भाई? अभी हमारा कोई ना तो अणु परमाणु ही नहीं मिल रहे हमारे, तो से मिलकर यौगिक बनते। ठीक है, देखो जैसे हम कोई कंपाउंड बनाए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में है H2SO, HCl, और ले लीजिए कोई भी ले लीजिए NaCl। ठीक है, देखो इसमें क्या आ रहा है? पहले हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये मिला अणु, ये मिला परमाणु, ये मिला अणु, परमाणु, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं मेरे भाई? एक यौगिक।
इस यौगिक का नाम क्या है, कौन बताएगा? घर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, अगर ये ना पड़े किसी भी चीज में तो मेरे भाई स्वाद नहीं आता, दैट इज कॉल्ड नमक, NaCl। एक दिन ना पड़े ना रोटी में फिर भी स्वाद नहीं आएगा मेरे भाई, सब्जी की तो बात ही दूर है, ठीक है? ये कहोगे मम्मी आज स्वाद नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एंड दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम जब जो कण है वो क्या है, परमाणु है, और परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, और अणु और परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखें। आगे जब ये कोई भी अणु होता है या जो जब कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं किसी भी परमाणु के अंदर? तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो कैसे होती हैं, क्या होती हैं। जब हम लिखेंगे 1H, यानी कि ये हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है, परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है? एक। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? दो। ऊपर जो लिखा जाता है वो द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक लिखा जाता है या परमाणु संख्या लिखी जाती है, ठीक है? ये होता है नाभिक, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। गुरुजी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? मेरे भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यानी नाभिक में नहीं होते, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर इन कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में बाहर चक्कर लगाते, ठीक है? देखो मेरे भाई चक्कर क्यों लगाते हैं, है ना मेरे भाई? और गुरुजी ये यही क्यों अंदर होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्यों नहीं होता है, है ना? बहुत सारी चीजें मेरे भाई ये इसलिए नहीं होते। देखो न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है हमारा जीरो, यानी उस पे कोई भी आवेश नहीं होता, वो क्या होता है बेटा? उदासीन, ठीक है? प्रोटॉन जो होता है वो हमारा होता है बेटा पॉजिटिव, यानी कि धनावेशित, उसके ऊपर धन आवेश होता है, ठीक है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है बेटा ऋणात्मक, नेगेटिव, ऋणावेशित, उस पे बेटा ऋणावेश होता है, ठीक है? और एक फिजिक्स में थ्योरी है कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट जो चार्ज होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है?
चुंबक जो होती है, देखो फिजिक्स में क्या होता है कि ये एक चुंबक है, मान लीजिए इसका एक सिरा है साउथ पोल और एक सिरा है नॉर्थ पोल, कभी भी प्रयोग करके देखना आप अपने घर पे। कैसे भाई वीडियो नहीं चल रही क्या, मार मार कर रहे हो ना उसमें कुछ साफ ना मौके आप आ जाए। एक होता है साउथ पोल एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरी चुंबक एक और ले लो, उसका ये साउथ पोल उसका ये नॉर्थ पोल। मेरे भाई कभी भी चुंबक चुपका के दे देना, अगर साउथ पोल से साउथ पोल और नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल चुपकाओगे चुंबक चुपकेगी नहीं, घर प्रयोग करके देखो। जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से साउथ पोल चुपकाओगे तब चुंबक चुपकेगी, यानी कि सेम ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। जब चुंबक कर सकते हैं तो तुम भी समझ सकते हो, तुम भी तो करते हो क्यों, है ना मेरे भाई, तुम भी तो अट्रैक्ट तभी होते हो जब तुम्हें नेगेटिव कोई चार्ज मिलता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ तुम भी तो आकर्षित नहीं होते, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। तुम्हें भी लड़कियां मिल जाए तो तुम भी भाई साहब अट्रैक्ट हो जाते हो, और लड़की नहीं मिली तो भाई अट्रैक्ट नहीं होते, तो मेरे भाई सेम काम नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये प्रोटॉन भाई आकर्षित क्यों होगा, मेरे भाई जब उससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, तो जब इसके अंदर नाभिक के अंदर पॉजिटिव हो, क्योंकि भाई ये उदासीन है, इस पे तो कोई आवेश है नहीं, और इस पे पॉजिटिव आवेश है, इस पे कुछ भी आवेश नहीं है, इस पे नेगेटिव है, तो क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब इन कक्षकों में जब ये चक्कर लगाता है, जब ये इसमें घूमता है, तो ये जो प्रोटॉन है ये इसको बांधे रखता है, ये इसको बांधे रखता है। एक और चीज, इन दोनों का जो आवेश होता है, इन दोनों का जो आवेश होता है वो एकदम बराबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश। फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ एक होता है कि जो प्रोटॉन का आवेश होगा उसके आगे क्या होगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उसके आगे क्या होगा मेरे भाई नेगेटिव, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम। क्यों, जितना इस पर आवेश उतना ही इस पर आवेश होगा, तभी ये एक दूसरे को बांधे रखेगा। अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन पर आवेश अधिक होता, समझना बात को यहां से, अगर प्रोटॉन पर आवेश अधिक होता तो ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता, और जो इलेक्ट्रॉन जो इन बाहर कक्षकों में घूम रहा था वो न्यूक्लियस में गिर जाता, समझ में आए, अगर ज्यादा होता। गुरुजी कम होता, मेरे भाई अगर कम होता, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम होता है और इलेक्ट्रॉन का अधिक होता तो क्या होता, इसका इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर आवारा घूम रहा होता। अब ये बाहर आवारा ना घूमे, उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाए, इसीलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर होते हैं, समझ में आया, कितने होते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। गुरुजी न्यूट्रॉन, बेचारे न्यूट्रॉन के पास में कोई भी आवेश नहीं होता, वो एक न्यूट्रियल वायर की तरह रहता है, वो उदासीन रहता, ठीक है, इसमें ना तो वायर करंट आता है ना कुछ भी होता है, ठीक है। ये किस काम आता है, ये मेरे भाई जब हम परमाणु संख्या निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, तब इसका काम परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो बोलते हैं जो हम निकालते हैं उसके काम में न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मेरे भाई आवेश समझ में आया, आवेश के ऊपर ये कहानी आई थी कि कैसे कैसे आवेश होता है, कि ये प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 − 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। थोड़ी सी और जानकारी के लिए मेरे भाई,
जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देखो ईपीएन इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे मेरे भाई वो कौन थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की उसके जो डिस्कवरी जो की वो थे मेरे भाई जे जे थॉमसन, इसको मेरे भाई थॉमसन भी बोलते हैं, ठीक है, अपनी अपनी भाषा है, कोई कुछ बोलता है भाई, कोई कुछ बोलता है, लेकिन नाम यही है जे थॉमसन। प्रोटॉन की जो खोज की थी मेरे भाई वो की थी किसने, रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड, ठीक है। और बेटा जो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और एक चीज, परमाणु की जो खोज की थी मेरे भाई वो की थी किसने, डाल्टन ने, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, बहुत काम किया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने, थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, और परमाणु की खोज किसने की, डाल्टन ने। गुरु जी ये याद कैसे होगा, याद तो होता ही नहीं कुछ, है ना मेरे भाई, होगा याद, कब तक याद नहीं होगा। इसके लिए मेरे भाई सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ईंट पर नाच पड़ा, ईंट पर नाच पड़ा, ई इलेक्ट्रॉन टी थॉमसन, पर परमाणु, र रदरफोर्ड, न न्यूट्रॉन, च चैडविक, प परमाणु, डा डाल्टन, ईंट पर नाच पड़ा, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल सिविल अड्डा 247 को सब्सक्राइब करें।